जो अमित शाह बोल रहा है कि इंटर पास करके आइए, 12वीं पास करके आइए, इंटर में हम लैपटॉप बांटेंगे, बताइए वो नौकरी कराएंगे, वो नौकरी करा पाएंगे? जिनको लैपटॉप ही नहीं चलाने आता है वो हमारा देश चला रहे हैं, बताइए वोट कैसे मिलता है फिर इनको? ऐसे बंदे हैं, इनको जानकारी नहीं है, जुमलेबाजी से ये जुमलेबाजी झूठ जितने बोले थे, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, 2 करोड़ भाषण होता है, 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे हर साल, 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, वादा किए थे, नहीं दिए। तो पब्लिक अब इनके बारे में जान चुकी है कि जुमलाबाज पार्टी है, बीजेपी पार्टी जुमलेबाज पार्टी। लोग कह रहे हैं कि चलो कुछ नहीं दिया, मंदिर बन रहा है, मंदिर इनके देन थोड़ी है, मंदिर एक मिनट, मंदिर तो कोर्ट का देन है, कोर्ट में मैटर चल रहा था, कोर्ट ने फैसला दिया, तो पहले भी था, कोर्ट पहले भी था, तो पहले क्यों नहीं बना? समय अब आया है तो अब कोर्ट ने फैसला, बीजेपी ने बनवाया ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये गलत तो एक मुद्दा बनाया जाता है, अच्छा। मुद्दा बनाया जाता है कि हाँ बीजेपी ने किया है वर्चस्व को लूटने, उसी पे मिलता है ना, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं वो, हिंदू मुस्लिम क्या है, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। अरे हमको नौकरी नहीं रहेगा तो मजबूत होकर क्या करेंगे, नौकरी रोजगार रोटी रोजी चाहिए ना। आजकल अनाज दे रहे हैं सर फ्री आपको, वो हर महीने, वो फ्री कहाँ दे रहे हैं, ये तो हमारा पूरे हमारे पूरे पब्लिक का जनता का टैक्स जाता है, जो टैक्स का पैसा आता है और वो पब्लिक में दे रहे हैं तो उनका क्या है, वो तो सर्वेंट है, कर्मचारी है, हम लोगों के नौकर है। सर वो सपा वाले बहुत नारा दे रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, हमारी सरकार आ रही है, मंत्रालय बंट रहे हैं और वो हंगामा भी कर रहे हैं, बाजू चढ़ा रहे हैं ऊपर को। नहीं देखिए तो रियलिटी है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी होती है और हुई भी है, पहले भी रिकॉर्ड देख चुके हैं लोग। तो बहन जी की सरकार सबको अच्छी लगती है, सब में मान सम्मान मिलता है सबको, और अधिकारी वगैरह भी सब सही रहते हैं, सही टाइम पे काम करते हैं। मेरा नाम प्रभात है, मैं लास्ट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप नोएडा से चलकर हमारे आजमगढ़ की सरजमी पे आए हैं, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आज बहन जी की रैली हुई है, कुछ लग रहा है कि ताकत मिली है बीएसपी को? आज बहन जी की रैली से जो विरोधियों को लग रहा था कि हाथी बैठ गया है, ये हाथी बैठा हुआ हाथी भी उन खड़े हुए गधों से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है। गधे कौन है वो? गधे वही हैं सारे विरोधी जो बार बार कहते हैं कि हाथी सुस्त है, बैठ गया है, अब ये हाथी बैठा नहीं है, अब चिघाड़ मार रहा है, दहाड़ते हुए उन विरोधियों को ललकारते हुए जो दुश्मन है उनको रोकते हुए अब लखनऊ जाएगा। लेकिन सर जो टेलीविज़न है ना, हमारे देश में घर घर में टेलीविज़न जा चुका है, बेडरूम में टेलीविज़न जिसके घुस गया ना वो उससे सीखता है, टेलीविज़न बीएसपी के हाथी को जो है ना पीछे दिखा रहा है। वो आप मीडिया के जो लोग हैं, चूँकि हमारे वोटर बोलते नहीं हैं, मेरे गांव से अगर बोलने के लिए आप निकालेंगे 100 घर की बस्ती में 2-3 लोग आएंगे, लेकिन जब बटन दबाने की बात या आती है तो इतने तेज़ी से दबाएंगे सारे लोग फेल हो जाएंगे। सर ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो बहुजन वोटर है ना वो खुल के नहीं बोलता, जिस तरह से और पार्टी के लोग बोलते हैं जैसे समाजवादी पार्टी के जी, वो बाजू चढ़ाएंगे और गाड़ी रुकवा देंगे, हमारी निकलेगी पहले, आप डरते क्यों हैं इस तरह से? देखिए वो असभ्य लोग हैं, उनकी वो आदत है, हम लोग कैडराइज लोग हैं, बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं, अनुशासन पे हम लोग चलते हैं, हम लोग विवाद से बचते हैं, हम लोग कलम की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमको कलम दे दिया है कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो लड़ाई मत करो, और जो बाकी लोग हैं वो झूठे हैं, बेवजह का काम करते हैं। आप बताइए, हमारे तो नेता कहते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो, हम लोग रक्षा करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होता है मना करते हैं कि नहीं भाई ऐसे मत करो, लेकिन और लोग काम नहीं करते, हमारे नेता काम में विश्वास रखते हैं, इतना वैकेंसियाँ निकाली हैं कि पूछिए मत, सफाई कर्मी की नियुक्ति, टीचर की नियुक्ति, पुलिस की नियुक्ति, हर जिले में छात्रावास मंडल पर छात्रावास बना ली हैं। बिल्कुल आ रही है बहन जी, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही हैं। इधर हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा क्या? हिंदू मुस्लिम नहीं है इधर, मुद्दा क्या है? सबको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, विकास चाहिए। इतनी नौकरी सर कहाँ से लाएगी सरकार? लाएगी ना, अभी पूरे पूरा एजुकेशन का सीट खाली है, हर जगह नौकरियाँ खाली पड़ी हैं, ये योगी सरकार मोदी सरकार भर्ती नहीं कर रही है, तो वो तो कह रहे हैं सरकारी अधिकारी सरकारी कर्मचारी टीचर काम ही नहीं करते, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, ठेके पे दे रहे हैं सब चीज़ों को, इनको काम कराने का ढंग ही नहीं है। सर टैग लग रहा है समाजवादी पार्टी में गुंडों की पार्टी है, दंगे भी करवाती है, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो 2013 का, चाहे अखलाक कांड हो नोएडा का, दादरी का, इनको वोट कैसे मिलता है फिर इनको?
वोट तो यहाँ पे जातिवादी तो कुछ चलता ही है, जातिवाद का कुछ असर होता है, जातिवाद से वोट मिलता है इनको। तो अखिलेश साहब का भी दुल्हा गया था गंगा जल से उनका ऑफिस, वो भी तो जातिवाद के शिकार हुए। हाँ, तो जातिवाद के शिकार हुए हैं। अब तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि बहुजन समाज जितने SC ST OBC के लोग हैं वो एक हो जाए, एक होके अपनी सरकार बनाए, बहुजन की सरकार बनाए। वो OBC आ गया क्या दलित के साथ में, भैंज के साथ में, जो OBC है लाखों करोड़ों आदमी है। देखिए OBC जो जागरूक होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो जरूर समझेगा, वो आएगा और बहन जी को सपोर्ट करेगा कि बहन जी की सरकार जो है कि सुरक्षित ढंग से चलती है। लेकिन बहुत सारे बसपा नेता चले गए हैं सपा में, भाजपा में, कह रहे हैं कि वो हम मिशन चलाएंगे बाबा साहब का। देखिए सच्ची बात है क्या ये? घर चलाएंगे नहीं, बहुजन का दिखाते हैं, मीडिया वाला दिखाता है, लेकिन बहुजन में आए 35 लोग सपा से, BJP से, वो नहीं दिखा रहा, कांग्रेस से, वो नहीं दिखा रहा मीडिया। तो हमारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए जवाब दे नहीं पाते हैं। तो मीडिया भी परहेज कर रहा है बहन जी से? बिल्कुल बिल्कुल परहेज करता है, खुल के दिखाता ही नहीं रिपोर्ट कोई। जो वो लड़ाई है ना, सिर्फ सपा और BJP दिखाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, दिखाई दे रही है। तो 2007 में भी ऐसा ही था, 2007 में भी ऐसा ही था, बहन जी को नहीं दिखा रहे थे, बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखा रहे थे, लेकिन पूर्ण बहुमत से जब गिनती होने लगा तो दिखाए बहुजन समाज। बसपा की रैलियों में क्या बुलाते नियम मीडिया कर्मियों को, जो बड़े वाले चैनल हैं बुलाते हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर भी मनुवाद भरा हुआ है ना, उनके दिमाग में भी भरा हुआ कि हम जाएं बहन जी के रैली अटेंड करें। हाँ, कुछ मनुवाद भरा है उनके दिमाग में। आपने गाली देते हो, मनुवादी बोल देते हो उनको, मनुवादी है तो बोलना पड़ेगा ना। आज वोट तो लेना, आप कौन से वोट लेना है, ठीक है, वो अपनी विचार सही करके देंगे। सर बहन जी जो बड़ा अच्छा काम करती हैं, विकास की बात करती हैं, गांवों का विकास करेंगी, गरीबों को मकान भी देंगी, शहरी में जो माननीय कांशीराम आवास योजना में रोजगार देती हैं लाखों लोगों को, वोट उस हिसाब से क्यों नहीं मिल रहा? 17 में नहीं मिला ना 12 में मिला, क्या कमियां रह गई हैं? वोट सही बात है कि कन्वर्ट नहीं, EVM तो है खैर, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाता है वोट। कुछ लोग हमारे लोग जानते ही हैं, एजुकेशन में अभी भी कमी है, बरगला लेते हैं लोग, उनको वोट में तब्दील नहीं कर पाती है बहुजन सरकार। दबाव से वोट डलवा लेते हैं अपने पक्ष में कुछ लोग, ये तो है, कुछ कहीं जहाँ पे ये लोग वर्चस्व है इनकी। पूर्वांचल में है क्या ऐसा मामला? ऐसा तो बहुत कम है, पूर्वांचल में कम है, पूर्वांचल में, लेकिन पश्चिम में है, पश्चिम में थोड़ा बहुत है वहाँ पे। अच्छा, लेकिन सर हम जो देख रहे हैं पश्चिम के लोग, जो बसपा में लोग जो विश्वास करते हैं वहाँ के लोगों में और पूर्वांचल के लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। गरीब गुरबा जो लोग हैं यहाँ बेचारे भूखे प्यासे पड़े हैं सुबह से, लेकिन पश्चिम में उस तरह से हमने नहीं देखा। ये तो बात यह है कि पश्चिम में वहाँ पे लोग जो है कि काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, यहाँ पे लोग भर चुके हैं उनके हैं, नहीं पेट नहीं भर चुके हैं, थोड़ा डेवलप है, मतलब 100% में 50% डेवलप कर लिए हैं वहाँ पे, और यहाँ पे अभी पूरा 75% 80% बाकी है। कह रहे हैं कि बहन जी BJP से गठबंधन करेंगे चुनाव के बाद में। भाई देखिए ये पार्टियों का मुद्दा है, ये पार्टी बताएगी कि क्या करना है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते ना। तो अच्छा, दलितों के लिए ज़्यादा अच्छी सपा है या BJP है? BSP है, और वो दोनों कौन है? वो तो विरोधी पार्टियां हैं दलितों के। तो अपने दलित क्यों जा रहे हैं फिर? कहाँ दलित जा रहे हैं? गए थे टूट के, वीर सिंह गए, उनके बेटे भी गए, उनको टिकट मिल गया वहाँ से। अपनी कुर्सी लालच है उनका, पैसा कमाना है लालच है, कुर्सी बचानी है तो जाएंगे। हाँ, तो सर क्या लग रहा कितनी सीट आएंगी बहन जी की इस बार? बहन जी की 300+ होगा।